हम लोगों को केवल इस बात से मतलब है कि हम पढ़ लेंगे क्वेश्चन और समझ जाएंगे इसमें दिया नियरेस्ट टू 10 लाख। अब हम लोग 10 लाख की बात है तो बात होगी 10 लाख 20 लाख 30 लाख। जो ये दो इंड की बात होती थी कि इधर पास इधर दूर, तो किसके किसके बीच देखेंगे 10-10 लाख के बीच, 10-10 लाख के बीच। एक एग्जाम्पल लेते हैं 5293751। अब 10 लाख है नियरेस्ट टू 10 लाख, इससे जस्ट पहले वाले प्लेस हम लोग अंडरलाइन करें। ये सर सर लैक वाला 10 लाख से पहले कौन सा प्लेस होगा सर? इसमें कोई लैक लैक 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक, यानी ये 2 वाला प्लेस हम लोग लैक वाला प्लेस अंडरलाइन किए। अब नियम हमको पता है कि अगर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई नंबर है अंडरलाइन वाला, कुछ ऐड करेंगे सर? आप ध्यान दो, तो अगर 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई है तो कुछ आगे नहीं ऐड करेंगे, तो ये अंडरलाइन सर आप ये अंडरलाइन वाला नंबर 5 से छोटा है कि बड़ा? 5 से छोटा है तो आगे कुछ ऐड होगा? तो हम यहाँ सिंपली 5 लिखते हैं और बाकी सबको 0 0। अब ये बताओ, ये तो इसके नियरेस्ट तो है 50 लाख के, दूर किससे है? 60 लाख से। क्यों? क्योंकि जो 52 होगा वो 50 और 60 के बीच का नंबर ना है। यस सर, 52 जो है 50 और 60 के बीच का नंबर है, तो नियरेस्ट टू 50 लाख या नियरर टू 50 लाख देन 60 लाख। 60 लाख और 50 लाख के बीच में। हाँ चलिए, तब वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर आप लोग कर दिए तुरंत ए बी सी डी। मैं नाम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिनका हो गया वो रफ पे ट्राई करें। पहले का ए नियरेस्ट टू 50 लाख है ना, 38, 60, 1, 2, 3। यस चलो चलो जाओ, थैंक यू सर। स्टार्ट टू सॉल्व, व्हाई आर यू अप? स्टार्ट टू सॉल्व एवरीवन, डोंट स्टॉप एंड डू योर वर्क एवरीवन। जिसे नहीं आएगा मैं हेल्प करूंगा, आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं। काउंट करो लैक्स प्लेस को, लैक्स प्लेस को काउंट करो, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कर दी, देखो वो 5 से बड़ा है या छोटा? तो 5 से बड़ा है। तो बस सर, उसमें उसमें नहीं, उसके आगे वाले में ऐड करते हैं। 4 हो गया, बाकी सब 0 0 0। ठीक, मतलब जो लोग कर लिए हैं दे विल स्टार्ट कुछ, वो लोग बात करेंगे। एक बात स्टार्ट, तो लेफ्ट 8 है, 5 से बड़ा, तो हम आगे वन ऐड कर दिए, बाकी 0 0 0 0 0 0। अब एक बात बताओ, नियरर टू 40 लाख है तो दूर किससे है? 50। क्यों 50? क्यों 38? 30 और 40 के बीच का नंबर होगा 38, तो 30 लाख और 40 लाख के बीच की बात होगी। तो जब 40 लाख के नियरर है तो दूर किससे होगा? 30 लाख से। ऐसे देख के सीख लेंगे ना। चलिए बी प्रांजलि, समझ में आया तुमको? चलो दूसरा वाला तुम्हें जो पूछूंगा, 72 21 123। अब लाख प्लेस को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि नियरेस्ट 10 लाख है। yes, तो एक पहले का प्लेस अंडरलाइन कर दिए। अब प्रांजलि बताओ, ये 5 का 5 से बड़ा नंबर है कि छोटा? छोटा में ऐड किया तो बाकी 7 लिख के बाकी सब 0 0 0। तो अब ये बताओ, ये नंबर जो है 72, एक तरफ तो 70 है, दूसरी तरफ क्या होगा? हाँ अरे यार, 72 किसके किसके बीच आता है?
एनटी और एफटी के बीच में ना, तो तुमको पूरा नंबर नहीं देखना है, इतना ही देख के समझ लो। एफटी के तो 70 लाख के पास है, एटी से दूर है। ये क्यों सिखा रहा है? ताकि पहचानना आ जाए हम लोग को। पूर्वी अब तुम्हारे घर में मैं तुमसे पूछूंगा, दूसरा तो नहीं बोले। 11 11 11 लाख 11 थाउजेंड 11 100 111। पूर्वी लेफ्ट वाले क्वांटल लाइन करते हैं लेफ्ट प्लेस को, ये तो 5 है उससे बड़ा है, तो आगे कुछ ऐड होगा। 1 लिखे 0 लिखे और बाकी सब 0 0। ये बताओ ये नंबर कितने से कितने लाख के बीच का है? यहाँ 11 देख के सोचो, 10 10 की बात हो रही है, तो 20 30 के बीच का है कि 10 20 के बीच का नंबर है? 10 और 20 के बीच का, 11 10 और 20 के बीच में तो आता है, तो 10 लाख के नियरेस्ट है, तो दूर किससे होगा? 20 से। 20 बहुत डी करिए, सभी लोग डी कीजिए। 9 3 9 8 9 3 5 5 6 2 वंस अगेन समान लेफ्ट प्लेस को हमने अंडरलाइन किया 3 को, तो 3 तो 5 से छोटा है। यस सर। 99 लिखे बाकी सब 0 जो भी जो है वही रहेगा। ये नंबर किसके किसके बीच होगा? सर 90 और आगे 1 करो 100 लाख में 1 करो 90 लाख और 1 करो। अरे भाई 100 आएगा ना, 90 और 100 के बीच का नंबर है। यस सर। चलिए ई ई और एफ होमवर्क दे दें। यस सर। 49 जिसको आ रहा है वो अभी कर सकता है, जिन्होंने कर लिया है उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत आवाज आ जाएगी वीडियो में। एफ ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो लोग वीडियो देख रहे होंगे या कभी देखेंगे, जिनके पास हम लोगों की बुक नहीं होगी उनके लिए ये क्वेश्चन। हाँ ये वाला चलो ये भी सिंपल, ये दो क्वेश्चन ई और एफ होमवर्क है। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है नियरेस्ट टू 10 लाख का राउंडिंग ऑफ करना है इन लोगों का, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू रेडी। यस सर। यस सर। अब हम लोग बात करेंगे नियरेस्ट टू करोड़। यस सर। मेरा करोड़ पूरा एफ का कंप्लीट हो गया करोड़ का, बहुत से बच्चे करते हैं से आप सब लोग बताने लगे और इस वीडियो को डिस्टर्ब करने लगे। मुझे पता है आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड, नो नीड टू ओके राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू करो। हाँ तो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 2, अब नियरेस्ट टू करोड़ है तो कौन सा हम लोग प्लेस देखेंगे? 10 लाख करोड़ से जस्ट पहले वाला प्लेस। तो क्वेश्चन है 386 49 49 00 5। तो देखो नियरेस्ट टू करोड़ है, तो अगर हम दूर और पास वाली बात करेंगे तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का नंबर होगा, चाहे 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच का नंबर होगा, 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का नंबर, मतलब हम लोग करोड़ करोड़ देखेंगे ना। तो नियरेस्ट टू करोड़ है तो हमने 10 का प्लेस 10 लाख वाले प्लेस को हमने अंडरलाइन कर लिया। तो अब भाई 10 लाख वाले प्लेस को जब हमने अंडरलाइन किया तो देखिए वो 5 से बड़ा है या छोटा? 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होता है तो हम लोग आगे क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं 4 बाकी सब 0 0 0 0 0 0। अब ये बताओ कितने करोड़ से कितने करोड़ के बीच का ये नंबर है? 3 करोड़ टू 4 करोड़, क्योंकि 3 करोड़ 86 लाख है तो आगे 4 करोड़ ही तो आएगा, तो नियरर टू 4 करोड़ हो गया और देन 3 करोड़ से दूर 2 करोड़ के पास। ये बी 825 000 000 फिर 10 लाख वाले प्लेस को अंडरलाइन कर लिए भाई, क्योंकि नियरेस्ट टू करोड़ है। तो अब
देखिए ये अंडरलाइन वाला टू हाइट से छोटा है। यस सर। ध्यान भी कुछ आया होगा? यस सर। टू है कुछ आ रही है तो होगा नहीं तो जब है नहीं होगा तो एक लिखकर बाकी सब जीरो 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 ये बताओ कितने से कितने करोड़ के बीच का? एक करोड़ और नाइन करोड़। एक करोड़ और नाइन करोड़ के बीच का नंबर है क्यों? क्योंकि एक करोड़ 25 है, एक करोड़ से बड़ा नंबर है। एक तरफ एक करोड़ होगा, एक तरफ नहीं। चलिए सी रहो, मतलब आप लिखना रहेगा वर्ड में तो लिख लोगे ना? यस यस सर। चलिए नेक्स्ट है 90493 तो 10 लाख से छोटा तो यहाँ पे चैड होगा 9 करोड़। ये नंबर कितने कितने के बीच है? नाइन से बड़ा नंबर है ना, तो नाइन और टेन के बीच का होगा। नाइन करोड़ के पास है तो टेन करोड़ से दूर होगा। डी पर सब थ्री ही थ्री है तो 10 लाख वाले प्लेस को मैंने अंडरलाइन किया। ये 10 लाख वाला प्लेस फाइव से छोटा है। अब वरना कुछ है होगा क्या बात है भाई, मेरी आवाज कह रहा कुछ बोलना। तो अब ये नंबर कितने से कितने करोड़? 3 करोड़ और 4 करोड़ के बीच का, क्योंकि देखिए 3 से बड़ा नंबर है ना 3 करोड़ से, 3 करोड़ 33 लाख तो आगे अब 4 करोड़ होगा तो 3 करोड़ से 4 करोड़ के बीच। अब ई और एफ हो गया होमवर्क। ई है और बच्चे 7 15 94 3 3 3 कीर्तन और आकाश लगा था। साइलेंस 9 15 32 ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, जो लोग कर लिए रफ पे ट्राई करेंगे और जो नहीं किए हैं वो फेयर में करेंगे। नियरेस्ट टू करोड़, दोनों नियरेस्ट टू करोड़ है तो कौन सा प्लेस अंडरलाइन करते हैं? स्वरा तुम बताओ, नियरेस्ट टू करोड़ है तो कौन सा प्लेस? केवल स्वरा, ओनली स्वरा, विच प्लेस वी विल अंडरलाइन? 10 करोड़ से जस्ट पहले वाला प्लेस। वेरी गुड, मतलब अब राउंडिंग ऑफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी एक चैप्टर सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है और दूसरा राउंडिंग ऑफ भी हम लोग कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट एंड एवरीवन साइलेंस। इफ हां मान्य टेल मी यू हैव अ प्रॉब्लम और सिक्स में ना वेट Maintain silence everyone. I am saying something girls. Recording is going on. Nearest to ones. अब हमारा अगला टॉपिक डेसिमल की तरफ बढ़ रहा है। क्या लिखा? आई फाइव में फोर नहीं चल रहा ना। नियरेस्ट टू वंस, तो एक बार बताओ लिखा हुआ है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 इसमें वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है? टू। वंस प्लेस पर टू है तो इससे जस्ट पहले वाला प्लेस सबको अंडरलाइन करना होगा ना। राउंडिंग आपने तो यही हम लोग सीखे ना कि जिसके नियरेस्ट रहे कहे तो उसके पहले वाला प्लेस हमको अंडरलाइन करके तो है ही नहीं पहले वाला, तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो
इसके पहले वाला क्या हल होगा, पॉइंट लगा के कुछ नंबर दिया रहता तो सोच लेते सर जीरो, तो अगर मान लो जीरो लगा दिए तो जीरो नहीं लगा रहे, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 12.3, ठीक है, एक क्वेश्चन 12.3 दिया, क्वेश्चन में नियरेस्ट टू वंस, वंस के नियरेस्ट, वंस के पहले कौन सा प्लेस होता है, चलो इसको जरा सा इस तरह से समझो, पहले प्लेस याद कर लिया जाए, मैंने लिखा 1 2 3.321, ठीक, वंस के 100, इस प्लेस को हम लोग करते हैं 100, इसको कहते हैं 10, सही है ना, इसको कहते हैं 1, हाँ, क्या होता है 1, ठीक, इसको कहते हैं 10, THS, इसको कहते हैं 100, THS लग जाता है क्या, और इसको कहते हैं 1000, THS 1000, ये तो प्लेस हमको दिमाग में होना चाहिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये सारे प्लेस हमको याद होने चाहिए, ठीक है, कॉपी में जगह है तो बना लो, याद है तो अच्छी बात है, बना लो तो और अच्छी बात, तो हमको अब ये प्लेसेज याद है कि पॉइंट के पहले वाले, इस साइड वाले, राइट साइड वाले प्लेसेज को, पहले वाले को 10, दूसरे को 100, तीसरे को 1000 प्लेस करते हैं, तो अगर हम हमको ये क्वेश्चन दिया 12.3, तो नियरेस्ट वो सर इससे पहले का प्लेस होता होगा 10, इससे पहले यही ना है, इससे पहले यही है, इसको हमने अंडरलाइन किया, जब हम इसको पहचान गए तो बाकी सब नियम वही है, अब इस नंबर को देखो 5 या 5 से बड़ा है तो क्या आगे कुछ ऐड होगा, 12 है, 10th में आ रहा है, 10th और 1st में आ रहा है, और डेसिमल के पॉइंट के बाद जो 3 है वो 10th में आ रहा है, हाँ, तो हमको नियरेस्ट टू 1 से निकालना है ना, अरे भाई नियरेस्ट टू 10th होता था तो हम 1 प्लेस को अंडरलाइन करते थे, नियरेस्ट टू 100 होता था तो 10th प्लेस को अंडरलाइन, उससे एक पहले वाले करते थे, तो नियरेस्ट टू 1 है तो उससे पहले 10th वाले प्लेस को करेंगे, तो ये 3 5 से छोटा है यानी कुछ आगे ऐड तो होगा नहीं, तो ये नंबर वैसे ही रहेंगे, सही है, यस सर, अच्छा ये नंबर कितने से कितने के बीच का होगा, अरे सुनो शुरुआत कैसे हुई, 12 12.1 12.2 12.3, तो आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा 12.9, उसके बाद क्या आएगा 13, 12.3 था सर, पॉइंट के बाद 10 लिखोगी 13 ना हो जाएगा, अरे आपको समझा रहा हूँ तुमको कि ये नंबर किसके किसके बीच में होगा, पास किसके होगा और दूर किसके होगा, भाई यहाँ 12 होगा, यहाँ 12.1 होगा, 12.2 होगा, ऐसे ना सेंटर में 12.5 होगा, बीच में 1 2 3 4, यहाँ कहीं 12.9 होगा, और उसके बाद क्या आएगा, कितने के बीच का नंबर है समझ में आ रहा, इधर 12.0 है तो दूसरे एंड पर क्या होगा 13.0, क्यों, क्योंकि ये 12 से बड़ा नंबर है ना 12.3, अरे भाई एक नंबर स्टार्ट हुआ 12 से और 12.3, 12 से बड़ा होगा ना, 12 से 12.3 बड़ा होगा कि नहीं, और छोटा किससे होगा 13 से, क्योंकि 13 से तो फिर 13.1 13.2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अब चलिए नियरे अभी और क्वेश्चन करिए, अभी इसमें 12 की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सिंगल डिजिट लेता हूँ तो समझ में आएगा, तो अभी समझा देता हूँ, चलिए वापसी स्टार्ट कीजिए, हम उसमें समझाते हैं, सिंगल डिजिट को 2.8, हां चलिए वापसी 2.8, वापसी 5, 2.8,
nearest to one set? Yes, sir. Is place को underline करें. Eight वाला. Tenth वाले place को? Yes, sir. Tenth वाले place को one set उससे eight वाले वाला? Yes, sir. ये five को बड़ा है कि छोटा? बड़ा है. आगे कुछ add होगा? Yes, sir. सब चीज़ जीरो. सोरा ने कहा नहीं सर. ऐसा क्यों सोरा? तुम अभी भूल रही हो. रुक जाओ. एक चीज़ याद रखना है. वो नहीं याद रहेगा तो round up नहीं कर पाऊँगी. जिस नंबर को आपने अंडरलाइन किया अगर उस नंबर की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई नंबर है तो आगे कुछ ऐड नहीं होगा और वो नंबर जीरो है. लेकिन अंडरलाइन वाला नंबर यदि 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कुछ है तो आगे कुछ ऐड हो सकता है. तो ये नंबर जो अंडरलाइन किया इनमें से है ना एक तो आगे वन ऐड होगा यानी 3.0. अब एक बात बताओ कि ये नंबर 3.0 के पास है नियरर 2.8 3 के पास है तो दूर किससे हो? 2 से. क्योंकि स्टार्टिंग को 2.1 2.2 2.3 ऐसे ना हुई होगी. एक एंड पर 2 होगा एक एंड पर 3. हम इस पर से लिखेंगे 2.8 इज नियरर टू 3.0 देन 2.0 देन के बाद 2.0. माने समझी? समझ आया ये चीज? नहीं तो हो गया वो वाला बात है. समझ में आया कि नहीं मेरी बात? अभी पहले नहीं आ रही थी समझ में जब दो डिजिट कर दिए थे तो. अब तो क्लियर है? चलिए अभी और क्लियर हो. 4.1 किए वो वाला देखिए 5 या उससे बड़ा है? 5 का उससे बड़ा है नहीं छोटा है तो कुछ ऐड होगा? हम 4 ऐसे ही लिखेंगे इसकी जगह पे 0. अब ये बताओ ये वाला नंबर कितने से कितने के बीच शुरू होगा? 4 से 5 के बीच में. 4 से 5 के बीच में होगा क्योंकि भाई 4.0 4.1 4.2 4.3 ऐसे चलते चलते 5.0 जाएगा ना. ये नंबर 4 और 5 के बीच में होगा. पूरी क्लियर है? यहाँ पे भी 10 प्लस को अंडरलाइन करो. आई क्या उससे बड़ा है? यस सर. आगे कुछ ऐड होगा? यस सर. कुछ 9 का हो जाएगा 10 10.0. अब ये नंबर कितना से कितना के बीच का है? सर 10 से 11 के बीच का है. 10 से ना 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 9 और 10 के बीच का ना होगा क्योंकि 9.6 है तो 9 और 10 के बीच में ना कहीं आएगा. 9.1 9.2 9.3. क्लियर है? यस सर. अब चलिए डी ई डी है 10.5. अब इसके बाद वाले सब उन मत है ये अंडरलाइन कर दे 10 प्लस को जो कि नियरेस्ट टू वन है. नियरेस्ट टू वन है तो भाई चलिए 4.5 से बड़ा या छोटा? छोटा. तो आगे कुछ ऐड होगा? यस. नहीं वहां हो ये याद रखना है. ये जिसको नहीं याद रहेगा सारा क्वेश्चन करो. तो एक है ना तो एक लिखेंगे पॉइंट कहां एक है अंडरलाइन वाला नंबर देखो अंडरलाइन वाला नंबर चेक करते हैं ना. 10 प्लस पर तो 4 है तो ये 5 का छोटा है नंबर. यस. 5 के छोटे नंबर यहां पे जितने हैं कुछ ऐड होता है तो इसकी जगह 0. ये किसके किसके बीच का नंबर? ये 8 और 9 के बीच का नंबर है. 8 और 9 के बीच का और तो 9 से बड़ा. अब 5 आई क्या उससे बड़ा नंबर होता है तो आगे क्या लिखें? 11.0. ये 10 और 11 के बीच का है. बस जब दिखने लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए लिख देते हैं ताकि कोई अगर वीडियो देख के समय बचे तो रुक जाइए रुक जाइए अभी शांत हो जाइए.
40 पॉइंट ए तरीका वही है जैसे हम लोग सीखे हैं एफ जी 52.6 इस रात बताओ एक्स बताइए 95.8 95.95.8 ये आवाज क्यों आने लगी 99.6 ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्यों चलिए इसको जरा सा कर दो आसान है मुझे मैंने पूछा इसी से पूछा मैंने क्यों जबरदस्ती नहीं बता रहे शांति 99.6 है 10 प्लस का 6 है 5 प्लस से बड़ा है 5 से बड़ा तो आगे वो नेट होगा ये देखो कैसे होगा 99.6 इस वाले को अंडरलाइन किए 5 से बड़ा है इसकी जगह हो गया 0 यहाँ से प्लस 1 हम ऐड करते हैं आगे 9 और 10 का 9 और 1 मिला के हो गया 10 का 0 यहाँ से 1 का एरिया आगे बढ़ेगा प्लस 1 10 100 पॉइंट अब देखो ये कितने से कितने के बीच का नंबर है 99 से 100 के बीच का नंबर है अब हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो लोग इस वीडियो को देखते हैं अगर पसंद आया भाई लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें थैंक यू